आय से अधिक संपत्ति मामले में शनिवार को कटिहार में पदस्थापित रजिस्ट्रार जय कुमार के आवास पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। विजिलेंस की अलग अलग टीम ने शनिवार की सुबह से रजिस्ट्रार जय कुमार के 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिससे प्रशासनिक महकमे के साथ कई कार्यालयों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस सहित सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत तेजा टोला स्थित उनके किराए के मकान पर निगरानी की टीम छापेमारी कर रही है, जबकि पटना के निगरानी थाने में दर्ज मामले के आधार पर निगरानी की एक टीम ने कटिहार जिला निबंधक जय कुमार के आवास पर छापेमारी की, जहाँ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने की बात कही जा रही है। वहीं रजिस्ट्रार के खिलाफ आय से 76 लाख अधिक की संपत्ति अर्जित करने के मामले में केस दर्ज होने के बाद हुई कार्रवाई में जांच टीम को 25 लाख निवेश के कागजात भी बरामद हुए हैं, जबकि इसके अलावा राज्य के बाहर भी जय कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार रजिस्ट्रार जय कुमार के कटिहार स्थित सरकारी आवास, पूर्णिया स्थित आवास और पटना स्थित उनके ससुराल में भी छापेमारी हुई है, जिसमें कटिहार के तेजा टोला आवास से 6 लाख नकदी के अलावा कई बैंक खातों की जानकारी भी टीम को मिली है। वहीं जमीन से जुड़े कागजात समेत निगरानी टीम ने इंश्योरेंस के अलावा कई कागजात भी छापेमारी के दौरान जब्त कर लिया है। इस छापेमारी और कागजातों की बरामदगी को लेकर निगरानी विभाग के DSP संजय जायसवाल ने पुष्टि करते हुए कहा कि जय कुमार के पूर्णिया आवास से 5,80,000 नगद और जेवरात के अलावा फ्लैट एवं जमीन से संबंधित कागजात भी टीम ने बरामद किया है, जबकि इसके अलावा निगरानी विभाग की यह छापेमारी पूर्णिया के मधुबनी स्थित कोसी अपार्टमेंट में भी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में जय कुमार जिला अवर निबंधक कटिहार के विरुद्ध निगरानी थाना पटना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके आलोक में आज इनके विभिन्न ठिकानों में कार्रवाई चल रही है। निगरानी के रेड की इनके कटिहार स्थित कार्यालय और आवास की तलाशी ली जा रही है। इनके आवास पर तलाशी में अभी तक 6 लाख के करीब नकदी मिले हैं, बहुत सारे जमीन और फ्लैट में निवेश के कागजात मिले हैं, इंश्योरेंस में भारी पैमाने पर निवेश के कागजात मिले हैं और इनके अकाउंट मिले हैं अभी तक, और ये तलाशी अभी जारी है, मूल्यांकन किया जाएगा। कितने अकाउंट से सर? अभी इसके काउंटिंग की जा रही है, जो भी कागजात मिले हैं उसका वैल्यूएशन किया जा रहा है। अभी तक जो है लगभग 20-25 लाख के इंश्योरेंस में जो है इनके निवेश के कागजात मिले हैं, कई जगह पर जो है राज्य और राज्य के बाहर जमीन में निवेश के कागजात मिले हैं, फ्लैट में निवेश के कागजात मिले हैं। बिहार में भागलपुर पहला शहर है जिसे स्मार्ट सिटी योजना की सूची में 24 मई 2016 को शामिल किया गया। इसके बाद लोगों में उम्मीद जगी कि अब पूरा शहर सुंदर और स्वच्छ दिखेगा, लेकिन अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की तत्परता के अभाव में कार्य में अनियमितता दिखने लगी है। हद तो तब हो गई जब स्मार्ट सिटी के योजनाओं की सूची में दक्षिणी क्षेत्र की उपेक्षा की गई। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी की कई योजनाएं शहर में क्रियान्वित है, लेकिन इन योजनाओं से दक्षिणी क्षेत्र वंचित है। शहर के उत्तरी हिस्से के तुलना में दक्षिणी क्षेत्र में समस्याएं भी अधिक है। रोड, नाला, पार्क आदि की सुविधाएं नहीं है। जब स्मार्ट सिटी की योजना बनी तो उम्मीद जगी थी कि लगभग 1300 करोड़ की इस योजना से दक्षिणी क्षेत्र का भी कल्याण होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं बनी है उसका क्रियान्वयन शहर के उत्तरी हिस्से में हो रहा है, जिसको लेकर भागलपुर के RTI कार्यकर्ता अजीत कुमार सिंह लगातार स्मार्ट सिटी के कार्यों पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को अजीत सिंह नगर निगम भी पहुंचे। पूछने पर बताया कि नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने उन्हें RTI से जुड़े आधा दर्जन मामलों पर सुनवाई के लिए बुलाया है। दरअसल अजीत सिंह ने पिछले दिनों स्मार्ट सिटी लिमिटेड और नगर निगम प्रशासन से विभिन्न कार्यों की जानकारी मांगी थी, लेकिन जवाब नहीं मिला, जिसके बाद वे प्रथम अपील में चले गए। RTI कार्यकर्ता अजीत सिंह ने बताया कि जिन मामलों पर सुनवाई के लिए उन्हें बुलाया गया उनमें सैंडिस कंपाउंड में बन रहे बैडमिंटन कोर्ट, जिम रिनोवेशन, स्विमिंग पूल, स्टेशन क्लब, लैंडस्केपिंग, 5 राजकीय विद्यालयों का लगभग 6 करोड़ की राशि से आधुनिकीकरण, स्मार्ट सिटी योजना के तहत निगम के किन वार्डों को सम्मिलित किया गया, भागलपुर के दक्षिणी क्षेत्र को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया, नेहरू मेमोरियल, ओपन एयर थिएटर, क्विडलैंड मेमोरियल, टेनिस कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, पार्किंग, टॉयलेट,
बास्केटबॉल कोर्ट, कैफेटेरिया, क्रिकेट फील्ड, सड़कों का रिस्टोरेशन समेत कई मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शहर नरक बना हुआ है। साथ ही कहा कि स्मार्ट सिटी का सारा जलवा सैंडिस कंपाउंड में दिख रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत सैंडिस कंपाउंड में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, जो धरातल पर आप लोग भी देख रहे होंगे। उसी के संबंध में हमने कुछ सूचना चाहिए है, जो सूचना नगर निगम स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नहीं दी जा रही है। इसी में प्रथम अपील की सुनवाई है और प्रथम अपील के सुनवाई के लिए हम आए हैं। आज 6 मामले की सुनवाई है। सर, क्या कमी लगती है स्मार्ट सिटी के कामों में? स्मार्ट सिटी का जो काम स्मार्ट शहर को बनाना था, स्मार्ट सिटी का सारा जलवा जो है सो सैंडिस कंपाउंड में दिखाया जा रहा है, लेकिन शहर स्मार्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें तो सिर्फ त्रुटि ही त्रुटि है, सिर्फ कंक्रीट का निर्माण किया जा रहा है। शहर को स्मार्ट करना था, न कि सैंडिस कंपाउंड। दक्षिणी क्षेत्र क्या कहेंगे सर? दक्षिणी क्षेत्र तो स्मार्ट सिटी में शामिल ही नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र भागलपुर का हिस्सा ही नहीं है, स्मार्ट सिटी का हिस्सा ही नहीं है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने शनिवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से चयनित 4 विषयों के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी है। विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने गांधी विचार विभाग, अंगिका, पारसियन और IRPM विषय में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना से चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसरों की पोस्टिंग से संबंधित अधिसूचना कुलसचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव ने जारी की है। चारों विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति से पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक कागजातों का सत्यापन काउंसलिंग के दौरान किया गया था। सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के उपरांत ही उक्त चारों विषयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति कुलपति के आदेश पर की गई है। PRO ने बताया कि ये सभी नियुक्तियाँ PG विभागों में की गई है, जिसमें पर्सियन विभाग को 1, गांधी विचार विभाग को 2, अंगिका विभाग को 3 और IRPM विभाग को 1 शिक्षक मिले हैं। कलगांव के सनोखर पुलिस की ओर से ASI अनिल पासवान के नेतृत्व में जखबाबा स्थान के पास वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ASI ने बारी बारी से वाहन चेकिंग करते हुए कागजातों के बीच जांच की और यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई। पुलिस ने बाइक चालकों से वाहन चलाते समय सभी जरूरी दस्तावेजों को साथ रखने और हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की हिदायत दी। वहीं चेकिंग के दौरान ASI अनिल पासवान ने कहा कि जिले और आसपास के इलाके में बढ़ते अपराध पर नियंत्रण के लिए वरीय अधिकारी के निर्देश पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी बाइक चालकों से अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने की अपील की। मौके पर सनोखर थाना के कई पुलिस जवान मौजूद थे। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। पिरपैती सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर्व के अंतर्गत रिफातपुर सीवानपुर शक्ति केंद्र स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष भाजपा दक्षिणी मंडल की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व निशांत कुमार पांडे ने किया। इस दौरान बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर भाजपा नेताओं ने उन्हें याद किया। मौके पर भाजपा जिला सहकारिता मंच के संयोजक प्रदीप सिंह, दीपक कुमार सिंह, सुमन कुमार पांडे, विकास सिंह राठौर और वरुण गोस्वामी समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
सनौला प्रखंड स्थित फाजिलपुर सकरामा पंचायत की मुखिया सह सनौला प्रखंड मुखिया संघ की अध्यक्ष शोभा देवी की अध्यक्षता में शनिवार को सामुदायिक केंद्र ननोखर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड में चलने वाली योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान सनौला प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न समस्याओं को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। वहीं बैठक में 10 पंचायत के मुखिया ने कहा कि वे सभी जब मुखिया शोभा देवी के साथ हैं तो कोई और मुखिया सनौला प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष का नेम प्लेट गाड़ी में लगाकर कैसे घूम सकता है। इसकी निंदा करते हुए सभी मुखिया ने कहा कि मुखिया संघ की अध्यक्ष शोभा देवी है। इधर शोभा देवी के पति विजय मंडल ने कहा कि सर्वसम्मति से सनौला प्रखंड के 10 मुखिया ने उनकी पत्नी को मुखिया संघ का अध्यक्ष पहले ही चुन लिया है, तो माधोपुर बथानी पंचायत के मुखिया को अपनी गाड़ी में मुखिया संघ के अध्यक्ष का बोर्ड लगाकर नहीं घूमना चाहिए और यह गलत बात है। मौके पर मदारगंज, अमडिया, बुढ़िया, मैयामा, सिलन खजूरिया पंचायत समेत 10 पंचायत के मुखिया और उनके समर्थक मौजूद थे। आज हम लोग 10 पंचायत के मुखिया जी आए हुए हैं और ये मुखिया संघ के अध्यक्ष शोभा देवी के गांव में आए हैं। ये भवन है सामुदायिक भवन, जिसमें अपने अपने पंचायत के बारे में जानकारी रखें कि क्या क्या समस्या है। मदारगंज पंचायत के बारे में भी दिए कि जल नल का वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, 3-4 जल मीनार का और ज़रूरत है। इसी सब लेकर के चर्च हुई, जिसमें शोभा देवी अध्यक्ष और हम उपाध्यक्ष हैं, रहे हैं पहले भी। वो हमारे ख्याल से गलत है, नहीं होना चाहिए इसे। और ये प्रखंड का दूसरे पंचायत में अवहेलना हो रहा है कि वहाँ 2 पंचायत है, अध्यक्ष है, ये कैसे हो रहा है। ये आगे की रणनीति क्या होगी, आपकी वोट लगा के घूम रहे हैं। हम लोग पहले से भी शोभा देवी के साथ हैं और अभी भी हैं, अभी भी हम लोग 10 मुखिया यहाँ पे आए हुए हैं। भागलपुर के पीरपैंती प्रियदर्शनी विवाह भवन शेरमारी में भारतीय जनता पार्टी दक्षिणी मंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा दक्षिणी मंडल के मंडल अध्यक्ष निशांत कुमार पांडे ने की। बैठक को संबोधित करते हुए बीपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि 7 जून को सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की सभा के लिए उन्हें भागलपुर जिले का प्रभारी बनाया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि इस कार्यक्रम में हर बूथ से अधिक कार्यकर्ता भाग ले, इसके लिए तैयारी की जा रही है। मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव बालक तिवारी, मुरारी पासवान, गौरव कुमार समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।